नमस्कार। आपको लगता होगा मैं अनिल पतंग कभी आपको नाटक दिखाता हूँ, कभी कहानियाँ सुनाता हूँ और कभी आपको स्वास्थ्य की बातें करता हूँ। मैं आपको बता दूँ, कुछ लोग कहते हैं आखिर है क्या, मैं साहित्य में भी, नाटक में भी और चिकित्सा में भी स्नातकोत्तर उपाधि पाई है, और सिर्फ शिक्षा नहीं पाई है, हर विधा में पढ़ाने की क्षमता रखता हूँ और एक नई नई शोध, नई नई बातें और नई नई चीज़ों को समावेश करने की चेष्टा करता हूँ। कहानियाँ लिखता हूँ, नाटक लिखता हूँ, कविता लिखता हूँ, निबंध लिखता हूँ, रिपोर्ट लिखता हूँ, पत्रिकाओं का संपादन करता हूँ। लोग कहते हैं कि भाई आप हैं क्या, कई लोग इसका मजाक भी उड़ाते हैं, चलिए आप उड़ाइए, लेकिन मैं घबराने वाला नहीं हूँ। आज मैं आपके सामने एक किस्सा सुनाने जा रहा हूँ। किस्सा कुछ इस तरह से है, किस्सा सुनाने और कहानी सुनाने की परंपरा यही है बहुत दिनों से, जमाने से, जब से सृष्टि या जब कहें जब से भाषा लोग समझने सुनने लगे हैं तब से यह परंपरा भी चल निकली है, और हमारी नानी दादी की कहानियाँ तो और भी प्रसिद्ध हैं। तो मैं आपको एक कहानी लेके आज हूँ, इसका शीर्षक है युग का अंत। जब अपने लोग नुकसान पहुँचाने लग जाए तो कैसा लगेगा, मेरे साथ भी कुछ वैसा ही हुआ। एक महिला के दर्द की कहानी, एक महिला अपने ऊपर जो उस पर अत्याचार या विचार या जो उसके ऊपर बीतता है वो सुना रही हैं। वो सुनाने के क्रम में कुछ इस तरह से कहती है, आवाज़ भले ही मेरी हो लेकिन आप समझिए कि संपूर्ण कहानियाँ उनकी भावनाओं का द्योतक है, उनकी आवाज़ में, उनकी भाषा में। मैं फिर से सुनाऊँ कि जब अपने लोग नुकसान पहुँचाने लग जाएँ तो कैसा लगेगा, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मेरे पति बेचारे सीधे साधे, छल प्रपंच से दूर, सात बेटियों के बाप, उनकी मानसिक स्थिति को आप समझ सकते हैं। खेत पथार बेचकर सभी बेटियों को पढ़ाया लिखाया, शादी ब्याह कराने के उपक्रम में लगना पड़ा। अब तक 5 बेटियों की शादी कराई जा सकी है। इस हालात में कमर का टूट जाना स्वाभाविक है। एक बेटा भी है, स्नातकोत्तर की शिक्षा प्राप्त कर बिहार सरकार के मानदेही सेवा में लगकर 10-12 हजार कमा लेता है। ये घर पर ही मटरगस्ती करते हैं, कहने को तो 3-3 विषय में पास है लेकिन अकील के दुश्मन, कुछ काम की बातें कर नहीं पाते। मैं एक प्राइमरी स्कूल में पंचायत शिक्षिका के रूप में कार्यरत हूँ। इनके एक बहनोई है महाटिपोड़ी बाज, नाटक करते हैं, सिनेमा बनाते हैं, फालतू की किताब छपवाते हैं, घर पर कम सभा सोसाइटी में अपना दिमाग और पैसा खपाते रहते हैं। इनसे बड़ी बहन के पति हैं मगर बेचारी बहन भी उनसे परेशान ही रहती है। आइए अब उनके करतूतों से आपका परिचय करा दूं। कभी इनके घर जाइए, आपको किसी संकल आदमी का घर मालूम होगा। 3 मंजिला मकान में किताबों का जंगल, हर दीवारों में ईंट सीमेंट के स्थान पर किताबें नजर आएंगी, सिर्फ दिखावा। उतनी किताबें भला कोई पढ़ सकता है, रोज रोज डाकपिन एक बंडल चिट्ठी, पत्रिकाएं और ना जाने क्या क्या दे जाया करता है। दीदी परेशान रहती है, नैहर आकर उनके इस कुकृत पर 8-8 आंसू बहाती हैं। हमारे गांव में भी मास्टर प्रोफेसर है, आज भी बिरजू भैया स्कूल से आकर ट्यूशन पढ़ाते हैं या कुदाल लेकर खेत पथार जाते हैं। अखबार में रोज रोज नाम छपने से क्या पेट भरता है। दीदी कहती है, गणित के प्रोफेसर होकर ट्यूशन पढ़ाते तो बारा न्यारा हो सकता था। हफ्ता पंद्रह में वो चेक आ जाता है तो दीदी को दिखाते हैं, वो रेडियो टीवी और अखबार से आता है। 3 ट्रंक में अखबार और पत्र पत्रिकाएं जिनमें उनकी रचनाएं छपी हैं सहज कर रखी गई हैं, जैसे लोधवर हो। दीदी रोज रोज किचकिच करती है मगर उनकी सुनता कौन है, काम की चीज कुछ भी नहीं, अनाज चूहा और सुनरा खाता है, मगर किताबों को बचाने के लिए दवा का स्प्रे और धूप में सुखाने जैसी प्रक्रिया से गुजरती। उसमें भी दीदी भी पैमाल होती, न चाहते हुए भी करना पड़ता। दिन में एक बार चाय का ऑर्डर कोई भी आ जाए, उस दिन दीदी ने साफ कह दिया दुकान से मंगा ले।
दिन भर लैपटॉप पर न जाने क्या क्या मगज खपाते रहते हैं। पहले डाक से भेजा करते थे, इसके लिए बाल बच्चों को परेशान किया करते थे, वे न किया जाते थे। अब न जाने कौन सी ने ईमेल फीमेल से भेजते हैं, घर में तो एक भी आदमी या कोई रिश्तेदार उन्हें बढ़िया नहीं कहता। इतना बड़ा प्रोफेसर कॉलेज में एगो नाम नहीं लिखवा सकते, न परीक्षा में पैरवी करते, खाली टिपोरी में चूर। पता नहीं काहे लोग इतना इज्जत प्रतिष्ठा देते हैं, बेटा बेटी के ब्याह में दिलचस्पी नहीं लेते, कोई इज्जत का ख्याल नहीं, कहते हैं अपने पसंद का करो। इतना अव्यवहारिक, एगो बेटी का ब्याह अपने कॉलेज के क्लर्क के बेटे से तय हुआ। वह किदन ITN था, इंजीनियर था किदन ITN। सुनते हैं कि एक बड़ी कंपनी में 16 लाख पैकेज पर काम करता था। एक दिन प्रोफेसर साहब शादी की तिथि तय करने के लिए उनके टेबल पर गए और पूछा, अरे कितना दिन लगाओगे, तारीख ठीक कर बताओ। बुरा लगा शिवेंद्र जी को, फिर भी सामने की खाली कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। प्रोफेसर साहब ताव में, अरे छोड़ो यह सब, पहले तुम बताओ जो पूछ रहे हैं। शिवेंद्र बाबू को यह तुम ताम बुरा लगा, उन्होंने विनम्रता से कहा, प्रोफेसर साहब अब आप हमारे समधी हैं, बैठकर मर्यादा से बातें करें। इनको मानो मिर्गी आ गई और गुस्से में तमकने लगे, अरे तुम किरानी होकर मुझे मर्यादा सिखलाओगे, मर्यादा में तुम रखना सीखो। शिवेंद्र बाबू भी गुस्से में कुर्सी छोड़कर उठ गए, आप बड़े हैं तो अपने घर में, मेरे पास किरानी के हैसियत से बात करने नहीं आए हैं, मैं आपका होने वाला समधी हूँ, ऐसी हालत में मैं अपने बेटे की शादी आपके यहाँ नहीं कर सकता। प्रोफेसर साहब कब रुकने वाले थे, नहीं करेगा तो मत करो, तुम्हारे लड़के में लौंग नहीं लगा हुआ है, और तमक कर चल पड़े। शादी टूट गई, जिसका पश्चाताप उन्हें आज तक है। फिर काफ़ी दिनों के बाद उनसे कम स्तर का लड़का मिल सका, लड़की सहायक प्रोफेसर है और लड़का हाई स्कूल का मास्टर। हाँ तो मैं कह रही थी अपने बेटी के बारे में, उनकी शादी ब्याह में आर्थिक सहयोग तो करते हैं, साथ ही उस दिन खड़ा होकर अन्य समस्याओं को भी सुलझाने का प्रयास करते हैं, जे गुण है से काहे न कहेंगे। एगो बेटी के ब्याह में एक दिन पहले बेटा के बाप खबर भेजवाया कि बाकी के पैसे नहीं देंगे तो बारात नहीं जाएगी। मेहमान यही थे, एक चेक था इनके पास जो किसी कारण से नहीं बन पाया था, ब्याह चुके थे। कहने पर इनके साथ गए, स्टेशन पर उतर कर इनसे लड़का के बाप का नाम पूछने लगे। भला इन्हें कहाँ मालूम था, बस गुस्से में आ गए। अरे महाराज, लड़का के पिता का नाम जाने भी ना बेटी को उस घर में दे रहे हैं, हम लोग कैसे पहुँचेंगे। इन्होंने कहा, चलिए मुझे घर दिखा हुआ, नाम वगैरह अगुआ को मालूम है। सुनते ही सिर पीटने लगे। खैर किसी तरह वहाँ पहुँचने पर जब पूछताछ करने लगे तो सब कुछ पता लगा, लड़के की माँ इनके रिश्ते में निकल आई। बात सलट गई, ब्याह हो गया, ब्याह के बाद भला कौन पैसा देता है। हाँ, इस बात को लेकर बेटी प्रताड़ित होती रहती है और उससे बेसी तो यही प्रताड़ित करते हैं। कालांतर बहुत दिनों तक प्रताड़ना के बाद भी जिंदगी चल ही रही थी। जितना प्रताड़ित उस बेटी के सास ससुर करते थे, उससे कहीं अधिक प्रताड़ना इनके बहनोई द्वारा किया जाता था। उनके बातों को सुनकर झड़की लगती है। खैर, पांचवीं बेटी की ब्याह है, वो बड़का परिवार में मेरी बहन के प्रयास से हो गया, बहुत सुखी है। अरे तिलक दहेज नहीं देने के कारण उसके बाप माए थोड़ा सा जाएं आना स्वाभाविक है, ये जब आते हैं 100 गंडा बात चखाते हैं, लेकिन बेचारे सीधे आदमी चुपचाप मुंह लटकाए सुनते हैं, कर भी क्या सकते। बेटी की छोटकी गोतनी आ चुकी है, सुनते हैं खूब तिलक दिया, पता नहीं कितना बड़ा परिवार किया, पलंग तोड़ती है मेरी बेटी सुनैना को, दिन रात चूल्हा चौका में लगना पड़ता है, कभी कभी नकी आती भी है। उसके ससुर महाराज साफ तौर पर कह डालते हैं, तुम्हारा बाप कितना पैसा दिया, जिस परिवार से आई हो औकात था, करना पड़ेगा यह सब। बेचारी सुनैना अर्थशास्त्र में MA करने के बाद यह सब सह रही थी, सबसे बड़ी बात वह घुट घुट कर जी रही थी। एक दिन उनके साथ प्रोफेसर साहब भी चले गए, इनके सामने ही इनको भला बुरा कहने लगे। प्रोफेसर साहब सैयद भाषा में ही उनका प्रतिवाद किया, बोलने की सामने में हिम्मत तो नहीं जुटा पाए समधी साहब, लेकिन हमारी और सुनैना के लिए अच्छा नहीं हुआ, उसके साथ प्रताड़ना और भी बढ़ गया। प्रोफेसर साहब ससुराल बहुत कम ही आया करते थे, ढेर टिपोड़ी वहीं से झाड़ते थे। रंभा की शादी के लिए छेका की बात हुई, इन्होंने उन्हें पटना में बुला लिया, होटल का कमरा खाना नाश्ता आदि का इंतजाम तो कर लिया गया, लड़का इंजीनियर बताया गया था। डिलक्स होटल के कमरे में हम लोग थे, लड़का के परिवार वाले अपने लश्कर के साथ आए। प्रोफेसर साहब सब जगह अपना टिपोड़ीपन लगा देते हैं, लड़का के पिता
उनके अभिवादन का सही रूप से रिस्पॉन्स नहीं किया, उनका चेहरा उतर गया था। कोल्ड ड्रिंक चलने के क्रम में उन्होंने लड़के से बात करनी चाही तो लड़का के पिता उस पर आपत्ति की, वे लड़का नहीं देख सके थे, हम लोग भी नहीं देख पाई थी, हद हो गया, वे गर्म हो गए। जबकि मध्यस्थ बता रहा था कि उसके संपत्ति के बारे में, उन्होंने डपटते हुए कहा शादी लड़का से करेंगे या संपत्ति से, सब गुड़गोबर हो गया। मेरे दामाद लोग भी उनसे सहमत हो गए। उनके एक मित्र पटना रेलवे स्टेशन में थे, वे यह कहते हुए चले गए कि लड़का पसंद हो जाएगा तो उन्हें बुला ले, अन्यथा वे वहीं से ट्रेन पकड़ लेंगे। उनके जाने के बाद हम लोगों ने लड़की दिखा दी, लड़के वाले को हनक लग गई थी, उन्होंने लड़की को ही नापसंद करने की घोषणा कर दी। अब तो सारा खेल ही बिगड़ गया। प्रोफेसर साहब को यह कहकर बुलाया गया कि लड़का पास हो गया। यहाँ की स्थिति जानकर उनका पारा और चढ़ गया, खाना आ चुका था, हम लोग खिला देना चाहते थे, इतना महंगा खाना बर्बाद हो जाता। उन्होंने काफ़ी जोर देकर कहा कुत्ते को खिला दें, उसको नहीं, 50,000 का चूना लग गया। हम लोग अपना समूह लिए घर आए मायूस। बाद में उनके ही शहर में मेरे समधी के द्वारा एक लड़का ठीक किया गया, बातचीत फाइनल। इस खुशखबरी को लेकर सुनैना के बाबूजी उनके यहाँ गए, उनका सवाल लड़का देखे नहीं, सुनकर फिर बमक उठे। उनका उठपटांग सवाल था ब्याह किससे तय किया, आखिर हम लोगों अपने लोगों पर विश्वास तो करना पड़ता है ना, देख देख कर ब्याह करेंगे तो कितना करेंगे, पता लगाने और देखने के चक्कर में झगड़ पड़े लड़के वाले से, किसी तरह उनके विदेश जाने के बाद मामला सलट सका। लेकिन लड़का वालों ने शर्त दिया कि प्रोफेसर साहब रहेंगे तो हम आपके यहाँ संबंध नहीं करेंगे। अब तो घर में कलह, सुनैना के पापा इस शर्त को मानने को तैयार नहीं थे। सुनैना के ससुर के प्रतिष्ठा का सवाल था, उन्होंने सुनैना को छोड़ने तक की धमकी दे डाली। अब काफ़ी पारिवारिक तनाव के बीच किसी तरह यज्ञ संपन्न हुआ। परिवार के एकमात्र इनके बहनोई से संबंध विच्छेद सा हो गया है, लड़का शायद किसी दुकान या ठेकेदार का मुंशी है, पता नहीं। गांव में अलग तनाव हो गया, पता नहीं इनके खिलाफ लोग क्यों नहीं सुनना चाहते। विवाह के 2-3 दिन ही बचे हैं, चर्चा हो रही है प्रोफेसर साहब की। उनके द्वारा बार बार विवाह में बाधा डालने पर विवाद हो रहा था, मोहल्ले के कुछ युवक इस बात से सहमत नहीं हो पा रहे थे, बात बात में मारपीट की नौबत आ जाती है। सभी न जाने क्यों हम लोगों को कोस रहे हैं, लगता है कि उनका एक गिरोह यहाँ भी बिघन डालने को तैयार है, और वहीं से वे उसका उकसा रहे हैं। एकाएक मोबाइल की घंटी बजती है, प्रोफेसर साहब नहीं रहे। एकाएक सन्नाटा, क्रंदन के साथ अनेक मुंह से आवाज़ निकली, एक युग का अंत हो गया।